Hey guys, welcome to Techitora. I am Nivedita and in this video we are going to solve reduce array size to the half. So आज का हमारा problem क्या है? Reduce array size to the half. और problem statement में हमें क्या दे रखा है? एक array दे रखा है और हमें क्या करना है? एक set of integers को choose करना है. अब जिस भी integers को हम choose करेंगे उसके सारे occurrence क्या होंगे? Array से removed हो जाएंगे. ठीक है? और हमें क्या करना है ना, जो भी आप एलिमेंट्स चूज कर रहे हो, इंटीजर्स को चूज कर रहे हो, वो कोशिश करना है कि मिनिमम चूज करें और एटलीस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट आपका क्या हो जाए, एरे से हट जाए. ठीक है? तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है? सो देखो, आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, एक एरे दे रखा है. राइट? अब हमें क्या करना है, एक सेट तैयार करना है और सेट में मिनिमम एलिमेंट अपना चूज करना है. ठीक है? सेट के लिए हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को चूज करना है ताकि एटलीस्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट इस एरे से हट जाए. यानी कंडीशन है कि एटलीस्ट कम से कम आपका क्या, हाफ हो. ठीक है? मैक्सिमम पे कोई कंडीशन नहीं है आपका, लेकिन एटलीस्ट आपका हाफ हटना चाहिए. ठीक है? तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, किसको चूज करोगे पहले? इसमें सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट हाफ एलिमेंट को हटाना है. करेंस सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले हटाएंगे. ठीक है? अगर हमें हाफ वहीं से मिल गया तो सही है, अगर मैक्सिमम मिला उस कंडीशन में भी सही है, अगर मिनिमम भी मिलेगा तो कम से कम हम मैप का यूज करेंगे. तो मैप आपका किस टाइप का होगा? इंटीजर. इंटीजर आपका की भी इंटीजर होगा. राइट? और आपका वैल्यू भी क्या होगा? इंटीजर होगा. है ना? तो सबका करेंस आप करोगे. थ्री का क्या होगा आपका करेंस? फोर होगा. फाइव का अकरेंस क्या होगा आपका? थ्री होगा. टू का अकरेंस क्या होगा आपका? टू होगा. और सेवन का अकरेंस क्या होगा आपका? वन होगा. ठीक है? अब हमें क्या हटाना है, टिक क्यू का यूज कर लेंगे, जिसमें क्या हो अपना मैक्सिमम एलिमेंट सबसे ऊपर हो. ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अकरेंस है ना, जो आपका ये वैल्यू है, उसको इस प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे. ठीक है? जब इसमें आप इंसर्ट करोगे, जो मैक्सिमम होगा वो सबसे पहले होगा. थ्री टू वन ऐसे होगा. ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है. हम देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, साइज चाहिए. हमें एलिमेंट्स नहीं चाहिए कौन कौन सा एलिमेंट हमें हटाना है, हमें टोटल साइज चाहिए और मिनिमम साइज चाहिए. ठीक है? इसलिए हमें सिर्फ काउंट का ध्यान रखना है. ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल आंसर ले लेंगे, जीरो. ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स को यहाँ से हटाएंगे इसमें हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे. ओके? तो हमने फोर को हटाया, इंक्रीमेंट करके इसको क्या कर लेंगे, वन कर लेंगे. फोर को हटा दिया, फोर वैल्यू है आपका, करेंस है, यानी फोर एलिमेंट आपका क्या हट गया है एरे से. तो आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट हाफ अपना हटना चाहिए. तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारे साइज के इक्वल या ग्रेटर हटा क्या. अगर हट गया है तो जितना अभी तक है हमारा यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स, जितना हम हटाए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. लेकिन आप फोर एलिमेंट्स यहाँ से हटाए हो, यानी थ्री एक एलिमेंट है जिसका करेंस फोर है, ये थ्री को हटाए हो. ठीक है? थ्री को यहाँ पे सेट में बनाए हो मान लो. ओके? थ्री को हटाए हो जिसका करेंस फोर है, फोर एलिमेंट हट गया है आपका एरे से. तो अब टोटल कितना चाहिए आपका, इसका साइज कितना है आपका? टोटल आपका इसका साइज है टेन. राइट? फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, टेन है. तो एटलीस्ट फाइव एलिमेंट हमें हटाना है. तो हम चेक कर लेंगे क्या हमारा फाइव या उससे ग्रेटर एलिमेंट हट गया है क्या. अब देखोगे लेकिन फोर ही एलिमेंट आपका हटा है, तो ठीक है अगले एलिमेंट को हटाएंगे. अब ये भी आपका क्या है, सेकेंड ग्रेटेस्ट होगा एलिमेंट, एलिमेंट का करेंस. तो थ्री हटाओगे, तो फोर आपने हटाया, थ्री हटाया, दोनों टोटल कितना हटा दिया आपने, सेवन हटा दिया. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लो, क्योंकि आपने थ्री को भी हटा दिया है, इंक्रीमेंट कर लिया, टू हो गया. अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे टोटल सेवन एलिमेंट, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम प्लस करते चलेंगे. ठीक है? टोटल सेवन एलिमेंट को हमने हटा दिया है. तो अब कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, क्या ये फाइव से ग्रेटर या इक्वल है क्या. हाँ, तो इसका मतलब हमने अभी हाफ ऑफ द एलिमेंट एटलीस्ट आपका हट गया है. ठीक है? तो यहाँ पे आपने थ्री और फाइव देख लेते हैं, कोड भी काफी इजी है. ओके? सो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मैप ले लिया है. ओके? और इसमें सारे एलिमेंट को हम इंसर्ट कर दिए हैं. फिर हमने एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया है, उसमें क्या किया, सेकेंड एलिमेंट जो है, जो आपका मैप का जो सेकेंड है यानी वैल्यू जो है, उसको हमने यहाँ क्या क्या इंसर्ट कर लिया है. ओके? फिर आंसर ले लिया हमने जीरो, एक साइज ले लिया कि कितना साइज होगा अपना सेट का, जीरो. ठीक है? ओके?
तो देखो आंसर क्या हो गया आपका, अब क्या करोगे, आंसर प्लस प्लस कर लिए क्योंकि अब एक टॉप एलिमेंट को हटाने वाले हो, और साइज में हमने इसको ऐड कर लिया है ताकि हम चेक कर पाएं कि जो साइज अभी तक हमने हटाया है एरे से, जो अक्रेंस हमारा हटा है, क्या वो ग्रेटर या इक्वल्स टू एरे एरे के साइज के हाफ के है क्या? अगर है तो उसी टाइम हम आंसर को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर देखो ये अपना है कि श्योर आपको आंसर मिलेगा ही, लेकिन हमने यहाँ फिर से अगर यहाँ पे कहीं अगर नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे रिटर्न जीरो कर लिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।